आपको तो ये बात करने जेब देती ही नहीं है, जो आपने ये बात कर दी है ना, ये जेब आपको, आपका ये बयान बनता था कि मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे आज सही अटैक हुआ है कि ये मैंने बात, ये इंडिया चांद पे पहुंच गया, मैं अब मरने लगा हूँ। सियासत सीखने के लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सियासतदानों को मोदी के पास जाना चाहिए, उनके मुल्क में जाना चाहिए, 5 साल उधर से सीख के आ जाओ, फिर हम तुम्हें वेलकम, फिर हम कहेंगे शायद मोदी से कुछ सीखा है, शायद मोदी ने मुल्क अच्छा किया, ये भी अच्छा करेगा। तो ये इस तरह के बयान उसको देने जेब नहीं देते, ये वैसे बयान वो उसको जेब देता है कि जिसने कोई मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हो, अपना सब कुछ लुटाया हो, अपना सब कुछ बेचा हो, अपना सारा कुछ का तबाह हो गया हो, वो ऐसी बात करे तो क्यों कहे जी मेरा सारा कुछ तबाह भी कर दिया है, मेरी ये सब जदादें खत्म हो गई हैं, फिर भी आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है, G20 की मीटिंग्स वहाँ होती हैं और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं, क्या इज्जत है वहाँ की, आज उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि G20 की मीटिंग जो है वो भारत के अंदर हो रही है, हमारा नेबर कंट्री, हमारा पड़ोसी कंट्री जो है, ये पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो चांद तक चला गया है, हम मुल्क मुल्क भीख मांग रहे हैं, $1 अरब के लिए हम हर कंट्री के आगे हाथ फैला रहे हैं, आखिर क्या इज्जत है इस टाइम पाकिस्तान की पूरी दुनिया की निगाह में, हम अपने पड़ोसी को क्यों नहीं देख लेते कि वो चांद पे चला गया है, G20 मीटअप उधर हो रहा है, पूरी दुनिया उनकी इज्जत कर रही है। क्या कहना चाहेंगे अकबर भाई इस हवाले से कि अब एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी बोल उठे हैं। देखिए जब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो अवाम, हम तो मजबूर हैं फिर बातें करने पे, ठीक है ना, हमारा क्या कसूर है, कम से कम इसने 3 दफ़ा हुकूमत की है, इसने कौन सा अच्छा काम किया है जो पाकिस्तान भी आज ऊपर चला जाता, शायद G20 यहाँ भी हो रही होती, अगर इसने अच्छे काम किए होते तो ये मुंह छुपा के जाता, ये बहाने करके जाता है, मेरे टैबलेट ऊपर हैं नीचे हैं, इस तरह जाता, कोई अच्छे काम किए होते ऐसे जाता, अगर गया था वापस आता। पल पल की हमारी आर्मी को खबर है कि बाहर दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारी मतलब है कि जजों को भी पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि गाफिल तो नहीं रह सकते ना, हर चीज़ का पता है, तमाम सियासतदानों को भी पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्या इंडिया ऊपर जा रहा है, मगर हमें नहीं बता रहे, ये हमें नहीं पता लगने दे रहे आवाम को, ये कहते हैं इंडिया बहुत पुअर है, इंडिया बहुत ख़राब है, ओए हमने तुम्हें बचाया हुआ है, हम ना हो तो तुम्हें इंडिया खा जाएगा, मार जाएगा। भाई अब देखो उसके मुँह से खुद सच निकल गया है, नवाज शरीफ के मुँह से सच निकल गया है कि ये हालात हैं और हमारी क्या औकात है, जब हमारी औकात नहीं है तो फिर क्यों बार बार ये मुंह लेके पाकिस्तान आते हो, भाई इस मुंह को उधर ही रखो, ठीक है, वहीं पे इंडिया की तारीफ़ें करो बस, ठीक है, क्या आपके कारोबार इंडिया के साथ हैं, आपका पूरी 22 मुल्कों में आपका बिजनेस है, आप फिर क्या क्या धोखा देने आओगे, क्या पाकिस्तान को अच्छा कर दोगे इधर आके, या पाकिस्तान आपने अपने गुनाह पहले बख्शवा लिए हैं, क्या नई कोई चीज़ लेके आ रहे हो, कोई चीज़ तो लेके आओ ना, चलो क्यों के ठीक है, मैंने पहले भी कहा था नवाज शरीफ अगर अपने बच्चों के सम्राह आ जाए, ठीक है, अपने फ्लैट सारे बेच के सारे कारोबार छोड़ के यहाँ आता है और भी वहाँ 40-50 पाकिस्तानियों को साथ लाता है, बिजनेसमैनों को, कि आओ पाकिस्तान चलें, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, फिर तो नवाज शरीफ को सलाम है। अगर नवाज शरीफ ने वही कुछ आगे करना है, जब ज़रा सा डंडा गरम हुआ तो इसने के इसके टैबलेट फिर ऊपर नीचे हो जाएंगे, फिर ये चला जाएगा, फिर कौम क्या करेगी, हमेशा मंझदार में छोड़ के गया है, मुशर्रफ 11 साल हम पे जो हुकूमत करके गया है इसकी वजह से गया है, ठीक है, पाकिस्तान के जितने भी हालात, इमरान खान तो अब आ रहा है ना, इससे पहले तो नवाज शरीफ ने इतना अरसा इक्तदार हासिल किया है। मुझे ये बताएं, वो कहते हैं अफसोस होता है पड़ोसी कंट्री की हालत देख के और फिर अपनी हालत देख के, कि जो कंट्री $1 अरब के लिए हर कंट्री के आगे भीख मांग रही है, वो क्यों नहीं देख लेती कि उसके पड़ोसी कंट्री में G20 हो रहा है, उसके पड़ोसी कंट्री चांद तक चला गया है, चांद तक चला गया है। अकबर भाई ये एक्स वज़ीर आज़म कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ पे तो अफसोस हो रहा है, इस चीज़ पे शर्म नहीं आ रही कि अपने लिए कोई ऐसे हॉस्पिटल नहीं बना सका, इस चीज़ पर शर्म नहीं आती जब टैबलेट ऊपर नीचे हो रहे थे जी, यहाँ इलाज नहीं हो रहा, मैं मर रहा हूँ, इस पर शर्म नहीं आती, 3 बार आप वज़ीर आज़म रहे हो, वज़ीर आला के रहे हो, तब आपको शर्म नहीं आती थी जब आपके पास इख्तदार था, जब आप सब कुछ कर सकते थे, तो आपने क्यों नहीं किया, ठीक है,
आपने कुछ काम नहीं किए, ठीक है। अब आप कहते हो जी इमरान खान तबाह कर गया, वो जी बिलावल भुट्टो तबाह कर गया। भाई सबसे ज़्यादा बारी आपने ली है, आपको तो ये बात करने जेब देती ही नहीं है। जो आपने ये बात कर दी है ना, ये जेब आपको, आपका ये बयान बनता था कि मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे आज सही अटैक हुआ है कि ये मैंने बात, ये इंडिया चांद पे पहुंच गया, मैं अब मरने लगा हूँ। अकबर भाई मुझे ये बताएं, लेकिन जो उन्होंने भारत की तारीफ की है वो तो गलत नहीं की, वो तो सही की है कि भारत वाकई चांद पे चला गया है। भारत वाकई अगर देखें G20 मीटअप हुआ है, दुनिया के बड़े बड़े वज़राए आज़म जो है वो भारत की सरजमीन पे आए हैं, उन्होंने भारत को अप्रिशिएट किया G20 कराने में, यहाँ तक तो उन्होंने ठीक कहा है। और हमारी जो हालात है उसमें भी झूठ तो उन्होंने नहीं बोला। नहीं उन्होंने झूठ तो नहीं बोला, मगर उनको क्या तकलीफ थी कि उनकी तारीफ करने के। कौन से पाकिस्तानी को नहीं पता कि इंडिया में G20 हो रही है, कौन से पाकिस्तानी को नहीं पता कि इंडिया चांद पे चला गया, कौन से पाकिस्तानी को नहीं पता कि इंडिया तरक्की कर रहा है। भाई सबको पता है, और तुम्हें क्या तकलीफ है तारीफ करने की। तुम फिर ठीक है इंडिया चले जाओ, 5 साल उधर रह के आओ, जो सियासत तुम्हें नहीं आती उनसे सीख के आ जाओ, मोदी के शागिर्द बन जाओ। देखो जब क्रिकेट सीखने के लिए इंडियन इधर आते रहे हैं हमारे पास, मियादाद के पास, अब्दुल कादर के पास, इमरान खान के पास, तो सियासत सीखने के लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सियासतदानों को मोदी के पास जाना चाहिए, उनके मुल्क में जाना चाहिए। 5 साल उधर से सीख के आ जाओ, फिर हम तुम्हें वेलकम, फिर हम कहेंगे शायद मोदी से कुछ सीखा है, शायद मोदी ने मुल्क अच्छा किया, ये भी अच्छा करेगा। तो ये इस तरह के बयान उसको देने जेब नहीं देते। ये वैसे बयान वो उनको जेब देता है कि जिसने कोई मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हो, अपना सब कुछ लुटाया हो, अपना सब कुछ बेचा हो, अपना सारा कुछ का तबाह हो गया हो, वो ऐसी बात करे तो क्यों कहे जी मेरा सारा कुछ तबाह भी कर दिया है, मेरी सब जदादें ख़त्म हो गई हैं, फिर भी आप मांग रहे हो। अकबर भाई मुझे ये बताएं, वो अक्सर वो बेशतर कहते हैं कि हम मेडिकल की वजह से उधर गए हुए हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर 3 बार उन्होंने इस कंट्री के अंदर हुकूमत की है तो एक अच्छा हस्पताल क्यों नहीं बना दिया। आज भी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पाकिस्तान से लोग भारत जा रहे हैं, आज भी हार्ट, ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो भारत के अंदर इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि आप भारत जाएं और वहाँ से करवा के आएँ। आखिर अगर ये इतना रोना धोना करते हैं, ये अपने मुल्क में क्यों नहीं ऐसे हॉस्पिटल बना लेते, अपने मुल्क को क्यों नहीं इतनी तरक्की दिला देते। आज जो ये भारत की मिसालें दे रहे हैं कि भारत चांद पे पहुंच गया है, भारत में G20 हो रही है, हम $1 अरब के लिए भीख मांग रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं, यही हुक्मरान थे ना, तो इन्होंने क्यों नहीं मुल्क की तकदीर बदली। देखें जब किसी मशरूक के घर जाना होता है तो उसका कोई बहाना चाहिए होता है, मेरा कबूतर इधर आ गया है, मेरी कोई चीज़ यहाँ गिर गई है। इनकी मशूक है बरतानिया, लंदन, ये तो अगर यहाँ लाज होने लग जाएगा फिर किस बहाने से, किस मुंह से जाएंगे, क्या कह के जाएंगे, आप मुझे बताएं। एक ही तो इनके पास बहाना है कि हमने इलाज कराना है, इधर होता नहीं है। अगर ये इलाज भी इधर दे देंगे सब कुछ, फिर बरतानिया कौन जाएगा, मशूक से कौन मिलेगा, ये मुझे बताएं। और ये सब बकवास है, ये सब कुछ कर सकते हैं जब पाकिस्तान में ये मेट्रो ला सकते हैं, पाकिस्तान में मोटरवे बनवा सकते हैं और लाइन ला सकते हैं, तो क्यों नहीं हॉस्पिटल बना सकते। प्राइवेट ही बनवा दो, चलो सरकारी ना बनवाओ, प्राइवेट ही बनवा दो ना, चलो तुम्हारा भी इलाज हो जाएगा। आवाम हमारी बहुत अमीर है, अभी भी बाहर जाके इलाज कराती है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल जाए, सारे भरे हुए हैं, सरकारी में रश नहीं है, सरकारी में गरीब मर रहे हैं, ठीक है। तो इतना नेकी कर देता कि चलो उनको इन्वेस्टमेंट यहाँ करता, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं आपने नवाज शरीफ साहब, तो ये भी लगा देते, मगर आपके पास कोई बहाना नहीं है यहाँ से जाने का, छुट्टियाँ गुजारने का। आपको महफूज मुल्क बरतानिया लगता है, ठीक है, उससे महफूज मुल्क आपके लिए किसी भी सियासतदान के लिए कोई भी नहीं है ना, पूरे दुनिया में हर बंदा कहता है मैं बरतानिया जाऊँ, वहाँ जाके अपना, जब तक आप अपने मुल्क के साथ मुखलिस, जब आप खुद बरतानिया जाते हो तो हमसे कैसे उम्मीद रखते हो कि हम पाकिस्तान में मरे, हम यहीं डंडे खाएं, हम यहीं महंगी चीनी खाएं, हम अगर बोले तो हमारी माओ बहनों को उठा के ले जाएं, हम क्यों फिर इधर रहें। अकबर भाई मुझे यहाँ पे एक बात बताएं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भारत जो है वो चांद तक पहुँच गया है, भारत में G20 का मीटअप हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हुक्मरान है वहाँ के, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो नरेंद्र मोदी हैं ना, उनकी वजह से ही ये G20 और ये जितनी भी तरक्कियाँ हो रही हैं उनकी वजह से ही हो रही हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो है वो भारत के नरेंद्र मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं, मतलब वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो डायरेक्ट तारीफ कर रहा है,
ठीक है ना, और हमेशा उसने की है। जब वाजपेयी था तब भी उसकी तारीफ करता था। अच्छा। ठीक है, मोदी को भी घर बुलाता था, उसकी माँ उसको पकड़ गया। मेरा ख्याल है शायद नवाज शरीफ की माँ की दुआ से मोदी तरक्की कर गया। जब से मोदी के सर पे पगड़ी डाली है ना जाती उम्रा में, तब से मोदी के देखो क्या हाल है, मोदी कहाँ पहुँच गया है और ये कहाँ पहुँच गया। इससे पहले को मोदी के कारनामे थे, जब से पगड़ी नहीं पहनी थी उसकी माँ ने, नवाज शरीफ की माँ ने जब नहीं पहनाई थी, कोई उनका मुल्क इतनी तरक्की कर रहा था। मेरा ख्याल है बरकत वाले हाथ नवाज शरीफ की माँ ने उसके सर पे शफकत का हाथ रखा और मोदी साहब ने कर कुछ कर दिखाया। ठीक है, तो भाई ये बातें अब नवाज शरीफ को जेब नहीं देते, अब ये नए लॉलीपॉप ना लेके आए। ठीक है, नवाज शरीफ ने साहब ये पुराने हो गए हैं, ये सारे पुराने तीर हो गए हैं, ये अब नहीं चलेंगे, अब आपको कुछ करना पड़ेगा इस कौम के लिए, आपको कुछ कुर्बानी सही में देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि बातों से, आपको कुछ कर दिखाना पड़ेगा, आपको जाती उम्र का घर बेचना पड़ेगा या आप अपने फ्लैट बेचेंगे, कुछ ना कुछ। अब देखें, जब किसी दुकान को किसी कारोबार को चलाना होता है उसमें पहले पैसे डालने पड़ते हैं। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा आ जाते हैं तो भारत के साथ ट्रेड शुरू हो जाए, भारत के साथ हालात बेहतर हो जाए, भारत हमारा फिर से एक पड़ोसी कंट्री हमारा दोस्त बन जाए, तो इसमें क्या हरज है, इसमें क्या तो अच्छी बात है ना। फिर तो उनको आ जाना चाहिए अगर ये तमाम चीजें हो जाएंगी। मगर उसको ये भी तो पता है ना कि ये उसको कुछ करना भी नहीं देगा। पहले भी बड़ी कोशिशें कर चुका है, वाजपेयी के साथ कर चुका है, मोदी के साथ कर चुका है, मुझे जद्दाल के साथ जो मीटिंग कर रहा था मरी में कर चुका है। उसको ये भी पता है आप मुझे करने नहीं देंगे। नवाज शरीफ अगर आएगा तो एक कमिटमेंट करके अपने हाथ पांव बांध के ही आएगा इधर। ठीक है, अगर अपने हाथ पांव बांध के नहीं आएगा फिर वही गलतियां करेगा, तो फिर नवाज शरीफ को फिर दोबारा वहां भेज देंगे जहां पे उसका घर है। ठीक है, अगर नवाज शरीफ मुखलिस तो ये लोग हो नहीं सकते ना, मुखलिस ये कैसे होंगे जब इन